मैं डॉक्टर एन के अग्रवाल, डायरेक्टर प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिसिन UCMS NGTB हॉस्पिटल दिल्ली से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको पोस्टमार्टम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पोस्टमार्टम यूजुअली ऑटोप्सी को कहते हैं, और ऑटोप्सी दो तरीके की होती है, यूजुअली क्लिनिकल और मेडिको लीगल। क्लिनिकल ऑटोप्सी उन केसेज में करने की जरूरत पड़ती है जिनमें कॉज ऑफ डेथ नहीं पता लग पाता ड्यूरिंग इलाज के दौरान। इन केसेज में इलाज के दौरान किस कमी को दूर करने के लिए और किस कारण से उसकी मृत्यु हुई, हम क्लिनिकल एटॉप्सी करते हैं। और दूसरा होता है मेडिको लीगल एटॉप्सी, जो सब तरह के मेडिको लीगल केसेज और पुलिस केसेज में करी जाती है। इन केसेज को करने का उद्देश्य ये होता है, एटॉप्सी करने का उद्देश्य ये होता है कि जिससे कि हमें मरने वाले के मृत्यु का कारण पता लग सके, किस समय दैट इज टाइम सिंस डेथ का पता लग सके, उसकी अगर आइडेंटिफाइड बॉडी नहीं है तो उसका आइडेंटिफिकेशन पता लग सके, उसके शरीर पे जो इंजरी के मार्क्स हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस हुए हैं और किस समय प्रोड्यूस हुए हैं, कितने घंटे पहले प्रोड्यूस हुए हैं, किस तरह की वेपन से प्रोड्यूस हुए हैं, और क्या ये सारी इंजरीज सफिशियंट थी उसकी मृत्यु के कारण और नहीं। इन सब चीज़ों के पता करने के लिए ही हम पोस्टमार्टम मेडिको लीगल केसेज में करते हैं। कई बार क्या होता है, मेडिको लीगल केसेज में एक फीटस दे दिया जाता है, एक न्यूबॉर्न फीटस दे दिया जाता है, उसमें भी ये हमें पता करना पड़ता है कि ये बच्चा जीवित पैदा हुआ या अजीवित पैदा, दैट इज चाइल्ड वाज वायबल एट द टाइम ऑफ बर्थ और नॉन वायबल एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसके अलावा एक अलग तरीके की ऑटोप्सी होती है, जो एक ऑटोप्सी नहीं बट साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जिसको हम कहते हैं। इसमें ये यूजुअली सुसाइड के केसेज में की जाती है। इन केसेज में हमें ये पता करना होता है कि मरने वाले का मरने से पहले क्या सुसाइडल अटेम्प्ट करने की इच्छा थी या ना। इस तरह को पता करने के लिए ऑटोप्सी, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर उनके क्लोज रिलेटिव्स के या दोस्तों से इंटरव्यूज करते हैं और उसके पुराने पेपर्स को परीक्षण करते हैं, जिससे कि उसकी साइकोलॉजी को स्टडी किया जाए और जिसके बेसिस पे हम बता पाएं। ये था संक्षेप में ऑटोप्सी के बारे में। धन्यवाद।